So here you are. This is the very first topic of today's video. It's Bohr's model of atom. Basically, इस atomic model में हमें दो important चीज जो है वो discuss करनी है, और वो ये first जो point है वो point ये है, एक centralized nucleus है जिसको हम हैवी न्यूक्लियस कह सकते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर शेल में आपके मूव करते हैं, एक सर्कुलर पाथवे में इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मूव करते हैं. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. एक्चुअली बोर्स मॉडल में हम ये स्टडी कर सकते हैं. बोर्स में जो सेकेंड पॉइंट है वो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए हम कंसीडर करें तो वो नंबर्स आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं. और इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो है बोर ने कुछ इस तरह से मेंशन किया, ये है शेल नंबर वन या फिर एनर्जी लेवल जिनको बोला, एनर्जी लेवल नंबर वन, दिस इज टू थ्री फोर एंड सो ऑन, राइट. सो दीज आर द एनर्जी लेवल्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली प्रेजेंट. ऑलराइट, सो हियर वी कैन से द एनर्जी लेवल बाय एन एंड इट्स नंबर. Number I'm just presenting here, and it is being called, right? So let's see if we consider the n value 1, 2, 3, 4, and so on, then we can call the first shell or first energy level, that is K, second energy level, that is L, third energy level, that is M, then N and so on. So basically we can simplify the thing that n numbers of shells are there, and we can give the name of these energy levels by K, L, M, N. And no doubt the order of energy level, that is K, its energy level, it's the first one. It is lesser than L, it is lesser than M, then N, and so on, right? तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि energy level जो first energy level है, जो low energy level है, उसका energy आपके comparatively lesser होता है in comparison to what L. L का कम होगा obviously M से, और M का कम होगा obviously N से. इस तरह से हम इनको explain कर सकते हैं. इसको थोड़ा आगे हम प्रोसीड करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा आपके रदरफोर्ड मॉडल का हमने ड्रॉबैक पढ़ा था, जिसमें ये बताया था कि सेंट्रलाइज्ड जो न्यूक्लियस है, राइट, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कुछ इस तरह से. अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है, आपके नेगेटिव चार्ज है, इस हेवी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, और अट्रैक्शन इस हद तक होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन अपना जो पाथवे जो है लूज करता हुआ मिक्सअप हो जाना चाहिए किसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर. बट इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. यू नो दैट जो भी आपके सर्वाइवल है किसी भी एटम का, उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में अंदर नहीं जाता है, राइट. इट मींस कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई ऐसा फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली इस पर्टिकुलर शेल के अंदर ही क्या कर रहा है, आपके रोटेट कर रहा है. तो इसी चीज को जो है बोर ने आपके एक्सप्लेन किया, और यहां पर एक पर्टिकुलर
इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, जिसका एक पर्टिकुलर रेडियस है, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन की गई। आइए देखते हैं वो छोटा सा डेरिवेशन क्या है। लेट्स सी, आइए देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है, एक न्यूक्लियस, राइट, और ये एक सर्कुलर पाथवे हो गया कुछ इस तरह से, और यहां हम एक इलेक्ट्रॉन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, राइट। इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है एम, और इसका जो वेलोसिटी है वो है सपोज कीजिए वी, क्लियर। यहां पर जो चार्ज है बेसिकली इस न्यूक्लियस का, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये प्रोटॉन का पावर है बेसिकली, और ये जो डिस्टेंस हम शो कर रहे हैं इस न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन जहां पर आपके मौजूद है, इसको हम बोल रहे हैं उसका रेडियस आर, क्लियर। तो बेसिकली ये न्यूक्लियस अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स जो है यहां पर आपके लग रहा है। आई एम जस्ट सेइंग दैट द अट्रैक्शन फोर्स विच इज बीन अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑब्वियसली द हेवी न्यूक्लियस, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स, राइट। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर द अट्रैक्शन फोर्स That will be ze square upon r square. तो ये इसका attraction force है, जहां पर ze square upon r square से इसको हम represent कर रहे हैं। अब खींच रहा है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के तरफ, लेकिन कुछ ना कुछ तो दूसरा फोर्स आपके अप्लाइड हो रहा है ना, जिससे कि ये टिका हुआ है एक पर्टिकुलर शेल में। तो ऑब्वियसली एक और जो ऑपोजिट फोर्स है इस अट्रैक्शन के जस्ट ऑपोजिट, जो फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है, क्लियर, वो ऑपोजिट फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से, क्लियर। सो बेसिकली द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मूविंग इन अ पर्टिकुलर शेल, दैट्स व्हाई दिस अनदर काइंड ऑफ यू कैन से फोर्स विच इज बीन ऑपोजिट टू व्हाट अट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड हियर, दैट इज रिपल्सिव फोर्स and it will be mv square upon r, जो उसका वैल्यू होगा वो कितना होगा, mv square upon r, कुछ इस तरह से हम ये फर्स्ट जो आपके पॉइंट है इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज सीखने को मिली वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा एक पर्टिकुलर किसमें आपके ऑर्बिट में मूव करता है विदाउट लूजिंग ऑफ इट्स एनर्जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Whenever we consider the electron which is actually present in a particular shell, it is not losing its energy. Alright? Bina thake, bina ruke, electron move karta rehta hai. Apni earth bhi to aisa hi karti hai. Earth bhi agar ruk jaye, mana kar de ghoomne se, kya hoga? Right? So I'm just explaining exactly with this electron. Electron never lose its energy basically whenever it moves in a particular shell. Alright? So it will be the very first equation I am just writing here, that is the ze square upon r square equal to mv square upon r. Here you can say that this r and this r being cancelled, so we get what, ze square upon r, that is equal to mv square. Okay? So this is the equation which comes, I'm just writing here one. Okay. Now you can see the next point, that is the angular momentum. So basically, angular momentum of an electron. You know that the electron is moving in a particular shell or particular orbit or particular energy level, right? It is also moving its own axis. अपनी axis पर भी ये move करता है जैसे अर्थ, right? तो उसका जो angular momentum है
उसको हम लिख सकते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, कुछ इस तरह से, राइट। सो एम वी आर, आर इज द रेडियस, वी फॉर द वेलोसिटी एंड एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट एन, कौन सी शेल में आपके मूव कर रहा है, एच जो है आपके प्लैंक्स कांस्टेंट है, ऑब्वियसली टू पाई ये रेडियंस के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए जरा गौर से, यहां पर मुझे चाहिए आपके v का वैल्यू, तो v का वैल्यू क्या आएगा, v विल बी व्हाट, इट्स nh अपॉन 2 पाई m r, सो इट विल बी द इक्वेशन दैट हैज बीन डिनोटेड बाय 2, ऑलराइट। सो वी हैव द v, और यू कैन से द वेलोसिटी वैल्यू दैट विल बी nh अपॉन 2 पाई m r, राइट। आई एम जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू of v into the equation number 1. Well, let's see that what will come. Let's see. It is z e square upon r that is equal to m, and I'm just writing here the value of v square. So obviously it will be what n h upon 2 pi m r, so it's whole square like this. So you can just solve it, we get what, z e square upon r equal to m, it's n square h square upon 4 pi square m square r square, like this. Here you can say that this r and this r being cancelized to each other, so we get what, the value of r here. So what will be the value of r? And one more thing, we can just remove this m by this m, clear? So what will be the r value? You just cross multiply it. It's n square h square upon, it's 4 pi square, it's m z e square. So this will be the value, all right? So we can just simplify that r equal to what, n square z square upon, it will be pi 4 pi square m z e square, right? So this is the equation number 3rd, right? So by using of this equation, we can solve the problem of what radius, so in which radius or in which you can say orbit the electron is existing, so we can calculate the value of what, its radius, clear? Okay, let's see the further you can say derivation of it, all right? So I'm just explaining that how the simple formula can be written for radius, energy, and of course velocity. Let's see, आइए देखें ये फॉर्मूलाज जो है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपके रेडियस का फॉर्मूला, तो रेडियस का फॉर्मूले को अगर यह लर्न करना है तो आपको लिखना पड़ेगा रन टूज, तो आर एन टू बाय जेड रन टूज, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.529 से, तो ऑब्वियसली ये एमस्ट्रॉन्ग में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है आप अप्लाई कर सकते हैं आपके आईआईटी में, और इन पे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब है एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें इस टर्न टू ये एक फॉर्मूला हमें यूज लेना पड़ेगा, तो ई इक्वल टू वॉज जेड टू अपॉन एन टू इज टर्न टू, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर चाहिए तो हमें इस -13.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और हमारे पास आपके फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो विजन v इक्वल टू जेड अपॉन एन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.18 इंटू 10^8 से, तो आपको मिलेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर। सो दीज आर द शॉर्ट
you can say formulas. By using of these formula, you can calculate the radius, energy and velocity of the electron, right? आइए देखते हैं इस वीडियो का अगला टॉपिक जो है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. और इस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को हम डी ब्रॉगली इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट? सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर द डी ब्रॉगली इक्वेशन. आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर करना क्या है. तो हम एनर्जी के बारे में जानते हैं, हम मैटर के बारे में जानते हैं. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा पार्टिकल ले लेते हैं. अब ये पार्टिकल जो है आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक फोटोन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, व्हाटएवर, राइट? और ये पार्टिकल जो है इसका एक स्पेसिफिक मास है एम, जिसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है दैट इज सी, राइट? कोई भी इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, प्रोटॉन्स है, इनके लिए हम जो वेलोसिटी है वो सी कंसीडर करते हैं. वैसे जनरली हम वी कंसीडर करते हैं, राइट? तो इस पार्टिकल का मास हुआ एम और इसका वेलोसिटी हुआ सी, राइट? सो बेसिकली आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी एंड आई होप सो आपको वो याद भी होगी. आइंस्टीन ने आपको एक इक्वेशन दी, उसमें बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर हमारे पास है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है ई इक्वल टू व्हाट, एम सी स्क्वायर. दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, इट्स द आइंस्टीन इक्वेशन. आई एम जस्ट गिविंग द सिंपल आइडिया अबाउट द आइंस्टीन, राइट? एग्जैक्टली व्हाट ही हैज mention the energy of the particular particle, that will be E equals to mc square. अब इस आपके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमने c कंसीडर किया, इसका मास हमने m कंसीडर किया, तो ये छोटा जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट वे में आपके मूव कर रहा है. तो यहाँ पर इसका मूवमेंट जो है वो वेवी मूवमेंट है या फिर वेवी नेचर अपना ये शो कर रहा है. और जब वेवी नेचर जब शो करता है तो हम यहाँ एनर्जी को प्लैंक्स के इक्वेशन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं. तो मैक्स प्लैंक्स जो है उनका इक्वेशन क्या है, वो है आपके E इज इक्वल्स टू व्हाट, एच न्यू, राइट? ये मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है कि मैक्स प्लैंक्स का जो आपके इक्वेशन है वो क्या है, एनर्जी का पर्टिकुलर वेवी नेचर जो शो करता है, तो वो हो गए आपके E इक्वल्स टू एच न्यू. दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, राइट? तो बेसिकली डी ब्रोगली ने दोनों इक्वेशन जो है, यानी आइंस्टीन का इक्वेशन और जो आपके प्लैंक्स जो इक्वेशन है, दोनों को मिक्स एंड मैच कर दिया. तो यहाँ ये शो किया गया कि कोई भी मैटर जो होता है, छोटे से छोटा पार्टिकल जो है, वो अपना ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल नेचर जो है वो शो करता है, एनर्जी पार्टिकल फॉर्म में और उसका वेवी फॉर्म में. दोनों एनर्जी को हम यहां पर मेंशन कर चुके हैं. अब देखिए क्या करना है, इन एनर्जी की इक्वेशंस को आप नीचे ले आए, तो ये होगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एच न्यू, कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं. अब आप जानते हैं न्यू इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन लैम्डा होता है, राइट? न्यू इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन लैम्डा. तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, कुछ इस तरह से, राइट? यू सी दैट वन सी टू वन सी कैंसिल, सो इट विल बी व्हाट, इट्स एम सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. सो दिस इज द इक्वेशन कम्स, इट्स इक्वेशन इज थ्री. ऑलराइट, तो हम यहाँ पर एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि लैम्डा जो है वो क्या हुआ, लैम्डा हुआ एच अपॉन व्हाट, एम सी. अब व्हाट इज एम सी, एम सी मास इनटू वेलोसिटी. सो मास इनटू वेलोसिटी दैट विल बी रिटन एज व्हाट, मोमेंटम, राइट? दैट इज पी. So I'm just writing here the lambda equal to h upon p.
this is the final equation. This is the de Broglie equation, and it proves the dual nature of the matter. I hope so it's clear to everyone that what I just write in the equation number 4, that is lambda equal to h upon p. Now we have the angular momentum, right? And what is the value of that thing? Well, let's see. Well, let's see that. We have the angular momentum, that is the 2 pi r equal to what? It is nh upon, basically I'm just writing here that mvr equal to nh upon 2 pi. So simplify, mvr equal to nh upon 2 pi, correct, like this. Now you see that the mv value, mv equal to, it's nh upon 2 pi r. So basically this is the equation, this is equation number 5, suppose, right? Now you see that we have the value of what, mv. If I just place the value of c here, so we can write mc equal to nh upon 2 pi r, right? Okay, so this is the equation, this is the equation number 6. Now you can match that equation number 6 and equation number 3, right? So we can say that it's nh upon 2 pi r, that is equal to h upon lambda. So basically this h and this h gone, that means what? It will be n lambda equal to 2 pi r. Alright, so this is the equation, this is the equation number 7. So what exactly the meaning of this equation number 7? Let's see. तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया है एन लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर, राइट? अब हम क्या कह रहे हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है, एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर का मीनिंग क्या है? मतलब ये निकला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर शेल में मूव कर रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, राइट? वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और एक वेवी फॉर्म में अपने क्या कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्लियर? तो एग्जैक्टली दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 7, दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मूविंग इन अ पर्टिकुलर शेल और ऑर्बिट और एन एनर्जी लेवल. So this is the last topic of today's video, that is the Heisenberg uncertainty principle. Well, let's see that what he actually said. So basically Heisenberg uncertainty principle jo hai wo ye kehta hai ki agar hum koi moving object ki baat kare to koi bhi moving object hai, chahe aapke car hai, chahe aapke koi planet hai, koi hai ball ya fir jo bhi hai aapke, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर पोजीशन पर हम उसका वेलोसिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? जैसे हम क्रिकेट बॉल के बारे में बात करें, तो क्रिकेट बॉल जब रिलीज की गई बॉलर के थ्रू, ठीक है, तो वो कितना जल्दी जो है क्या बोलते हैं बैट्समैन के पास आ रही है, तो उसकी स्पीड का कैलकुलेशन जो है हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से क्या बोलते हैं, जैसे कोई कार है, कार का जो आपके वेलोसिटी अगर या फिर मोमेंटम अगर चेक करना है, तो हम ये काम कर सकते हैं. तो पुलिसमैन जो होते हैं उनके पास में जो है पीसीआर जो वैन होती है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिससे कि कुछ रेज जो है उस पर आपके वो थ्रो करते हैं पर्टिकुलर आपके व्हीकल पर, जिससे कि वो कम बैक करती हैं रेज, और उससे फिर कैलकुलेट करके हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि
एग्जैक्टली पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है, पर्टिकुलर पोजीशन पर उसका जो आपके स्पीड जो है वो क्या है, राइट? तो ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली फॉर द बिगर यू कैन से ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? चाहे हम प्लेनेट के बारे में बात करें, तभी तो हम बता सकते हैं कि है ना कि भाई सोलर इक्लिप्स जो है वो कब होगा, कितने बजे होगा, ठीक है ना? टाइमिंग वगैरह जो है वो सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर बिगर यू कैन से ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है जो पर्टिकुलर शेल में मूव कर रहा है, तो उसके लिए कैलकुलेट करना ये पर्टिकुलर आपके मोमेंटम एक पर्टिकुलर प्लेस पर, इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ यू कैन से अर्थ अनसर्टेनिटी इज कंसिडर्ड वेन एवर वी टॉक अबाउट द सब एटोमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन्स एंड ऑल। सो बेसिकली वी कैन नॉट कैलकुलेट और यू कैन से मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स। सो बेसिकली दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हियर वी कैन से द फॉर्मूला ऑफ दिस प्रिंसिपल, इट इज बीन रिटन एज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू यू कैन से इज ग्रेटर एंड इक्वल टू यू कैन राइट एज वेल, सो इट विल बी एच अपॉन 4 पाई, राइट? सो आई एम जस्ट ओपनिंग इट हियर डेल्टा एक्स डॉट, वॉट इज डेल्टा पी? द मास एंड द वेलोसिटी। सो वॉट विल बी द वेलोसिटी हियर? सो इट विल बी डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉट? एच अपॉन 4 पाई, क्लियर? So this is the equation which has been called the Heisenberg uncertainty, you can say equation. So we can express the delta x value. So it will be your h upon 4 pi, it's m delta v. So this is the formula to calculate its position, and we can also calculate the delta v just like that. It's 4 pi h upon 4 pi, and you can write here delta x, alright? So in this manner, and of course we have to multiply with the mass as well. So basically this is the equation. So by using of these equation we can calculate the delta x value here and of course the delta v value. Alright, so that is the end of today's video. Alright, so we'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.